स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर और एक्टर गुलशन ग्रोवर जी, जिन्होंने ज़्यादातर मूवीज़ में निगेटिव रोल्स ही किए हैं, व्यूवर्स इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज रही हैं अवतार, जो कि सुपरहिट मूवी साबित हुई, रामलखन इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, विश्वात्मा इनकी सुपरहिट मूवी साबित हुई, इनकी डेब्यू 5 इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1981 में बुलंदी, इस मूवी को भी बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था रॉकी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी आई थी 1983 में सदमा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1983 में अवतार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में मशाल, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1984 में आई थी अंदर बाहर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी 1984 में आई थी इंसाफ कौन करेगा, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी उसी साल में आई थी सोनी महिवाल, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1985 में आई थी जिसका नाम था पत्थर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली 1985 में आई थी सामरी, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 1986 में आई थी मानव हत्या, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1988 में आई थी मेरा मुकद्दर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली 1988 में आई थी आग के शोले, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1988 में आई थी वीराना, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली 1988 में आई थी खतरों के खिलाड़ी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली 1989 में आई थी वक्त की जंजीर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1990 में आई थी प्यार के नाम कुर्बान, ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली 1989 में थी रामलखन, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1989 में आई थी ईश्वर, ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी लव लव लव, ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी लड़ाई, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1990 में आई थी दूत का कर्ज, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1991 में आई थी जीवनदाता, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली 1991 में आई थी इज्जत, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी कुर्बान, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी सौदागर, ये मल्टी स्टार मूवी थी, इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बंजारन, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1992 में आई थी त्यागी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1992 में आई थी तहलका, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिगर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिल ही तो है, इस मूवी को ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दुश्मन जमाना, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी पुलिस ऑफिसर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी उम्र 55 की दिल बचपन का, ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली 1994 में आई थी अनारी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली 1994 में आई थी सर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था विजय पथ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगली मूवी 1994 में आई थी कानून, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी यार गद्दार, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1994 में आई थी दुलारा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1994 में आई थी राजा बाबू, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मोहरा, ये बहुत अच्छी मूवी थी, इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में दिलवाले, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में आग, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1994 में क्रिमिनल, ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1994 में आई थी जमाने से क्या डरना, इस मूवी को एवरेज रही। अगली मूवी 1995 में आई थी गुलशन ग्रोवर की सबसे बड़ा खिलाड़ी, ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1995 में वापसी साजन की, इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी अहंकार, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर
फ्लॉप रही। अगली मूवी 1997 में आई थी घूंघट, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी उसी साल में आई थी यस बॉस, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1997 में आई थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी 1997 में आई थी भाई भाई, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी कहर, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी शपथ, ये मूवी बॉक्स ऑफिस सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में कौन रोकेगा मुझे, इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1993 में आई थी धर्म का इंसाफ, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी फूल और अंगार, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी आंखें, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जान पे खेलकर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1993 में आई थी घर आया मेरा परदेसी, ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी 1993 में आई थी शक्तिमान, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में आपातकाल, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आदमी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी गुलशन ग्रोवर की आई थी 1993 में कोहरा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी गुलशन ग्रोवर की चंद्रमुखी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में परवाने, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में तड़ी पार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1995 में आई थी गुलशन ग्रोवर की मिलन, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली 1994 में आई थी इम्तिहान, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी बेताज बादशाह, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी महाशक्तिशाली, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1994 में आई थी पहला पहला प्यार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी आग गले लग जा, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी गुलशन ग्रोवर की आई थी 1994 में आतिश, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी गुलशन ग्रोवर की आई थी चीता 1994 में, ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में इना मीना डीका, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में नाराज, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी क्रांति क्षेत्र आई थी इसी साल में, ये फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में अमानत, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बेटा हो तो ऐसा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में आओ प्यार करें, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1994 में आई थी घर की इज्जत, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1995 में आई थी गुलशन ग्रोवर की नाजायज, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1995 में आई थी मैदान जंग, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी रघुवीर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी रंगीला, इसमें गुलशन ग्रोवर ने अच्छा रोल किया था, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1995 में कर्तव्य, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में गैम्बलर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1996 में आई थी हिम्मत वाला, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी माफिया, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी लोफर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी मुकदमा, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दानवीर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था दिल जले, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जोरदार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। गुलशन ग्रोवर की अगली मूवी इसी साल में आई थी राजा की आएगी बारात, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली 1996 में आई थी नमक, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली 1997 में आई थी कौन सच्चा कौन झूठा, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। अगली 1997 में आई थी सनम, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1997 में आई थी गुंडागर्दी गुलशन ग्रोवर की, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1997 में बेताबी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। गुलशन ग्रोवर की अगली मूवी 1998 में आई थी शेरे हिंदुस्तान, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी हफ्ता वसूली, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 1998 में आई थी 2001, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में घर बाजार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस
ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगले में इसी साल में आई थी किला, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगले में इसी साल में आई थी डुप्लीकेट, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगले में 1998 में आई थी मर्द, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अंगारे, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में यमराज, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी बारूद, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जुल्मो सितम, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर की सर उठा के जियो, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेहंदी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी महायुद्ध, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी 1999 में आई थी शेरा, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी इंटरनेशनल खिलाड़ी, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी कारतूस गुलशन ग्रोवर की, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हिंदुस्तान की कसम, ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी आया तूफान, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी 1947 अर्थ, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हम तुम पे मरते हैं, ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में सर आंखों पर, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी माँ कसम, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1999 में आई थी सौतेला, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 2000 में आई थी शिकार, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी हेरा फेरी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी बागी, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी गैंग, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दीवाने, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी आगाज, इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2000 में ही खिलाड़ी 420, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2001 में गुलशन ग्रोवर की मूवी आई 16 दिसंबर, इसमें डैनी डंजम्पा, गुलशन ग्रोवर, सुशांत सिंह देखने को मिले, इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था लज्जा, इस मूवी में लीड कास्ट में मनीषा कोइराला, रेखा, माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी, अनिल कपूर, अजय देवगन, जयकि श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर देखने को मिले, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2003 में जिसका नाम था फंटूश, इसमें गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, फरीदा जलाल और अनुज सानी देखने को मिले, ये मूवी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी व्यूअर्स इसी साल में जिसका नाम था बूम, इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, जीना तमान, कटरीना कैफ देखने को मिले, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था जिस्म, इसमें जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु और गुलशन ग्रोवर देखने को मिले, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी विवर्स 2004 में जिसका नाम था दिल मांगे मोर, इसमें शाहिद कपूर, आयशा टाकिया, सोहा अली खान, गुलशन ग्रोवर देखने को मिले, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था टार्जन द वंडर कार, इसमें अजय देवगन वर्सेस सेल्क, गुलशन ग्रोवर देखने को मिले, ये मूवी एक डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2005 में जिसका नाम था दस, इसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, जियाद खान, गुलशन ग्रोवर थे, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल 2006 में जिसका नाम था फैमिली, इसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, भूमिका चावला, गुलशन ग्रोवर थे, ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी एक खिलाड़ी एक हसीना, इसमें फरदीन खान, के मेनन, फिरोज खान और रोहित रॉय देखने को मिले, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था तथास्तु, इसमें संजय दत्त, अमीषा पटेल, जया प्रदा, गुलशन ग्रोवर, यश पाठक थे, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी व्यूअर्स इसी साल में जिसका नाम था गैंगस्टर, इस मूवी में कंगना रनौत, इमरान हाशमी, शाइनी आहूजा और गुलशन ग्रोवर थे, ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर जी की इसी साल में एंथोनी कौन है, ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी, इसमें संजय दत्त, अरशद वारसी, गुलशन ग्रोवर थे, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर 2007 में जिसका नाम था धोखा, इसमें मुजम्मिक, इब्राहिम, क्यूलिक जोशी, गुलशन ग्रोवर थे, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में फुल एंड फाइनल, इसमें सनी देओल, विवेक ओबराय, शाहिद कपूर, आयशा टाकिया, गुलशन ग्रोवर देखने को मिले, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था के कर्मा, इसमें टिस्का चोपड़ा, महक खान, राहुल देव और गुलशन ग्रोवर देखने को मिले, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था शोबिस, इसमें तुषार जलोटा, सुशांत सिंह, गुलशन ग्रोवर, सौरभ शुक्ला थे, ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था कर्ज,
इस 2008 में इसमें हिमेश रेशमिया उर्मिला मातकर गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी लव स्टोरी 2050। इसमें हरमन बवेजा प्रियंका चोपड़ा गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था विक्ट्री। इसमें हरमन बवेजा अमृता राव अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर की 2009 में जिसका नाम था एसिड फैक्ट्री। इसमें परदीन खान इरफान खान मनोज बाजपेयी नीनू मौर्या गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2009 में ही आई थी जोर लगा के हैया। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती महेश मांजरेकर गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2010 में आई थी जिसका नाम था कजरारे। इसमें हिमेश रेशमिया शारा लोरेन गुलशन ग्रोवर जैद खान थे जैद शेख थे। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी रिवर्स इसी साल में मित्तल बैस मित्तल। इसमें रोहित रॉय ऋतुपूर्णा सेन सुचित्रा कृष्णामूर्ति गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था विरसा। इस मूवी में आरी बब्बर नोमान एजाज गुलशन ग्रोवर कमलजीत सिंह देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर जी की इसी साल में नाकआउट। इसमें संजय दत्त इरफान खान कंगना रनौत और गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। गुलशन ग्रोवर जी की अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था क्रू। इसमें इमरान हाशमी नेहा शर्मा गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर जी की इसी साल में जिसका नाम था पे बैक। इसमें मनीष खान सारा खान गुलशन ग्रोवर जाकिर हुसैन थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई 2011 में जिसका नाम था आई एम कलाम। इसमें गुलशन ग्रोवर हुसैन साथ देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में बिन बुलाए बाराती। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इसमें आफ्ताब शिवदासानी प्रियंका कोठाई राजपाल यादव संजय मिश्रा गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में 2012 में एजेंट विनोद। इसमें सैफ अली खान करीना कपूर गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2013 में बात बन गई। इसमें अली फजल गुलशन ग्रोवर अनिशा बटे अमृता चंद रायचंद थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में राजधानी एक्सप्रेस। इसमें सुधांशु पांडे प्रियांशु चटर्जी गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर जी की इसी साल में जिसका नाम था बुलेट राजा। इसमें सैफ अली खान जिमी शेरगिल सोनाक्षी सिन्हा चंकी पांडे गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था सुपर से ऊपर। इस मूवी में वीरदास कीर्त कोहलारी और गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर की 2014 में 18.11। इसमें रेहल खान गुलशन ग्रोवर प्रेम चोपड़ा देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली 2014 में आई थी यारियां। इसमें हिमांशी कोहली स्कूल प्रीत सिंह गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में स्टेशन। इसमें समीर केविन रॉय सिद्धांत के एस हार्दिक शाह गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई 2015 में जिसका नाम था ऑनर किलिंग। इसमें जरा शेख संदीप सिंह और गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर की इसी साल में कौन कितने पानी में। इसमें कुणाल कपूर राधिका आप्टे सौरभ शुक्ला गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अन इंडियन। इसमें तनिष्ठा चटर्जी गुलशन ग्रोवर सुप्रिया पाठक देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आई लव देसी। इसमें वेदांत बाली प्रियंका शाह गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी गुलशन ग्रोवर जी की इसी साल में जिसका नाम 2016 में वॉरियर सावित्री। इसमें निहारिका लूसी किंडर ओम पुरी और गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2016 में ही जिसका नाम था आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इसमें गुलशन ग्रोवर फरीदा जलाल थे। ये मूवी डिजास्टर ही 2017 में आई थी। अगली मूवी आई थी 2017 में ही बहन होगी तेरी। इसमें राजकुमार राव श्रुति हसन गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। इस मूवी को डिजास्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 2018 में जिसका नाम था हेट स्टोरी 4th। इसमें उर्वशी रौतेला विवान करण एहाना ढिल्लो गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था कैबेट 2019 में। इसमें ऋचा चड्ढा
गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2020 में सड़क 2। इसमें संजय दत्त, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2021 में जिसका नाम था मुंबई सागा। इसमें जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में परवाज। इसमें गुलशन ग्रोवर, किमी वर्मा, मनदीप बराड देखने को मिले। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2022 में जिसका नाम था रॉकेटरी। इसमें आर माधवन, सिमरन और गुलशन ग्रोवर देखने को मिले। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी चार्ली चोपड़ा 2023 में। ये मूवी व्यूअर्स इंटरनेट पर अपलोड की गई थी, इसलिए इसका वर्डिक्ट नहीं पता चल सका। तो व्यूअर्स, ये बॉलीवुड के फेमस विलन एक्टर जिनका नाम गुलशन ग्रोवर है, इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।